बड़वानी जिले के पाटी में कोरोना की वैक्सीन सेंटर खोलने के लिए ग्रामीण युवाओं ने मंत्री प्रेम सिंह पटेल को ज्ञापन सौंपा और कहा यहां के युवा वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक है मगर उन्हें बाहर सेंधवा और बड़वानी जैसे सेंटर में जाना पड़ता है। युवाओं ने कहा कि पाटी जैसे ब्लॉक में वैक्सीन सरकारी सेंटर तत्काल चालू कराए। युवाओं की यह पहल रंग लाई, तत्काल सुनवाई भी हुई। मंत्री प्रेम सिंह ने सभी के समक्ष तत्काल स्पीकर ऑन करके कलेक्टर से बातचीत की। कलेक्टर ने शीघ्र पार्टी मुख्यालय पर वैक्सीनेशन सेंटर चालू करने की बात कही। पार्टी से योगेश भावसार की रिपोर्ट। मंत्री को हमने ज्ञापन दिया, किस संबंध में आपने ज्ञापन? आज माननीय कैबिनेट मंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है जिसमें कि मुख्य विषय था वैक्सीनेशन, चूँकि भारत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसी के लिए माननीय मंत्री जी हमारे पाटी ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में जाकर के इसको लेकर के जागरूकता अवेयरनेस कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो कमी देखी जा रही है वो यही है कि 18 प्लस जो युवा वर्ग के लिए टीकाकरण चालू करवाया है उसको लेकर के पाटी ब्लॉक वंचित है। तो वंचित होने से एक तो कम लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और इसमें अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो, उस बाबत आज हमने ज्ञापन सौंपा है। सावन जी, आपके क्षेत्र में युवा बड़वानी जाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं? हाँ, वही विषय हमारे संज्ञान में आया है। वैक्सीनेशन को लेकर के मैं वही विषय को लेकर के ही आज मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें मेन यही है कि वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता तो मंत्री जी स्वयं करवा रहे हैं लेकिन इस विषय को अगर वो देखे ध्यान में दे रहे तो पाटी ब्लॉक में अगर सेंटर बन जाता है तो आसपास के, अब तक ये होता है कि आसपास के गांवों में सिलावत और खेतिया और पानसेमल में युवाओं को जाना पड़ता है। तो जागरूकता है लेकिन सरकार की कमी देखने को मिल रही है कि वो पाटी क्षेत्र में 18+ का वैक्सीनेशन नहीं बना रहे। इसी मांग को लेकर के आज हमने ज्ञापन सौंपा माननीय। वैक्सीनेशन को लेकर आपके क्षेत्र में बहुत सारी अफवाहें चलेगा जी? अफवाह है और उसको समय समय पर हम प्रशासन के संज्ञान में लाते हैं और 1-to-1 चर्चा करते हैं और ग्रामों में जाकर के जागरूकता हमारे स्तर से भी फैलाई जाएगी। लेकिन देखा जाए तो पाटी क्षेत्र जो है वो जिले में ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में अत्यंत पिछड़े में आता है। तो पिछड़े क्षेत्र में आने के बावजूद भी सबसे अच्छी बात यह है कि अधिक से अधिक युवाओं ने वैक्सीन को लेकर के रजिस्ट्रेशन कराया है। तो सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि सेंटर स्थापित किया जाए, इससे भी यहाँ का युवा यहीं पर रहते रहते अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवा पाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।